बैठ जाएगा तो केकरा तमंगा पिया ही कौन जाए मारो लेर आंटी जी नींबू का भैया गलेड़ा ही क्यों नहीं रखा है क्या भाव हो रहा है नींबू 50 का भाव 200 रुपए किलो तो शिकन जी पी छोड़ दियो मैं तो ये भाव देशा मंडी का मान जगह भाव रे चीज कई रेट तो लगा ही पण करा के अब भाव ही तेजी है गर्मी है नहीं पड़े ने सही कारण से अरे आ तू भी पार्टी मिलाओ लागो के नमस्कार मेरा नाम शफीक है झलको सीकर बतारो स्वागत करू हूँ गर्मी आपने पता है कि कति भयंकर पड़ रही है और गर्मी से बचावा की एक संजीवनी जगह एक नींबू है अगर है कि बदन के अंदर शरीर के अंदर जगह जान फूक दिया अगर अभी की शिकंजी बना पी लियो या फिर मैंने चाट में गेर रखी हिसाब का इस्तेमाल कर लियो लेकिन गर्मी का अंदर आज जो नींबू है वो खट्टो और ज़्यादा खट्टो हो रखे है और खट्टो ही ना और ज्यादा ही को भाव कर रखे है कि भाव है जिको आसमान छू रहे आपा सब्जी मंडी है जो सीकर की है बाहर ना आपा है हाँ और नींबू को भाव है जगह के रेट में चाल रहे हो और कतिक मात्रा में बिक रहे हो है सारी बात है जिका अपना इस जगह दुकानदार है बासू भी करेंगे नींबू है क्या तारगन नींबू है ना भाई साहब तो नींबू दे लखोर राग रखे हो सामे राग रखे हो सामे राग रखे तो सामे कोई चोरी चारी को डर कौन लगेगी ना ना तो भाव तो आता ही हो रहा क्या है क्या चोरी हो जा जाना यार क्या भाव हो रहा है नींबू 50 का भाव 200 रुपए किलो 200 रुपए किलो तो लोग खरीद रहे हैं क्या इतना महंगा नींबू बिक रहे हैं कारण क्या था महंगा होगा गर्मी बढ़ रही है ना कहने जी नींबू का ही भाव है नींबू 30 का पाव 30 का पाव तो अब बार माना कोई 50 का पाव बताए अब यो गंदरों कहीं बताए मान तो अलग अलग क्वालिटी भी हो गया हमें वह ना अच्छा 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 तो ग्राहक आ रहे हैं कि नींबू खरीद पा आ रहे हैं तो भाव खाली नींबू का बढ़े बढ़े या फिर और सब्जियां का भी और चीज का भी बढ़ा ही है नींबू का भाव है जगह 160 200 इस हाव है अब महंगाई के कारण है तन महंगा नींबू होगा महंगाई तो के बताओ तो आगे सगड़ो आ रही है महंगाई रे खरीद वाला की परेशानी आ रही है कि भाई क्या ले सका गरीब आदमी क्या कर सका देख रहे नहीं हो जहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है नींबू पानी की भी बचाने भी पाओ और खुद भी पीनी पड़े पीवाई को नहीं है तो मंगो छोड़ दिया गर्मी माता चढ़ जाएगी जना अब चढ़ जाएगी तो केकरा तो मंगा पिया ही कौन जाए मारो लेर पीवा ले तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा भाव सुन हाँ भाव सुन ज्यादा बीपी आई हो जाए फिर एक तो बिया खट्टो ऊपर भाव खट्टो मैं तो शिकंजी पी छोड़ दियो नींबू है क्या तारगन क्या भाव है नींबू 40 का भाव और थोड़े चला जाओगे 160 रुपए किलो तो आज नींबू आता महंगा किया नींबू बड़ा महंगा है महंगा को नहीं महंगवाड़ा के हिसाब से नींबू महंगा को नहीं तो 60,000 रुपए सैलरी उठाओ ना नींबू महंगा थोड़ी है 60,000 सैलरी सही उठाओगे तो उठाओ थे नहीं उठाओगे 35,000 रुपए उठाता जी उठाओ तो वही हो सैलरी चलो आज तो बात छोड़ो और जो आदमी 400 रुपए दिन का दिहाड़ी बजाओ और बिक लिए कढ़ाई है कम थोड़ी सस्ता दोगे सस्ता ही और कहीं ये भाव दे 400 रुपए 16,000 रुपए तन का उठा रहे कम थोड़ी मैं तो ये भाव दे श्याम मंडी का मान जगह भाव रे चीज कई और सब जगह भाव कैसा चल रहा है सबका चाल नहीं वार तो डाइट डाउन ही चाल नहीं सबका तो आ नींबू का जे आपा सीरियसली एक बात करा नींबू का भाव आता तेज होबा कारण गर्मी कौन पड़ रही है भाव कौन दे टेंपरेचर कत हो रही है टाइम पर तो गर्मी से नींबू को नींबू की बात कर रहे हो नींबू से ज्यादा तो महंगी अदरक हो रही है गर्मिया के अंदर काम को नहीं आवे तो अदरक क्या महंगी हो रही है तो 60 रुपया पाव हो रही है अदरक 60 रुपया हाँ अब नींबू तो गर्मी का आधार पर नींबू तो ज्यादा बिकी सी नींबू की खपत ज्यादा ही वजह महंगा आया फिर गर्मी की वजह से नींबू सड़ जा वही वजह में खपत भी ज्यादा है गर्मी के चक्र में क्यों गन्ना वगैरह ले जाए फिर बाद का मन हर न घर नींबू चाहिए टाइम पर क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाए कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए बीपी प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी हो जाए भी खजना नींबू चाहिए वन हर घर में नींबू टाइम पर जरूरत है तो खपत के नींबू खपत का चक्र में स्टॉक बड़ी चीज ना भी को तो अपने आप ही है दुकानदार और बेचवा में कोई गिरावट आई कि नींबू का ग्राहक कम होया फिर बढ़ जाए बड़ी सी ग्राहक बताई है जता था पहले 5 किलो नींबू लेता अब एक डब्बा 20 किलो को ले रहा हुआ तो लास्ट का मत 4 किलो 3 किलो बचा पूछा है कि नींबू का ना और नींबू जी में तो पूछियो एक बार 50 का भाव है दे तो फिर सुनकर क्या ही लागे करंट सो लागे के भाव सुनर करंट तो लागे ही पण करा के अब भाव ही तेजी है गर्मी है नहीं पड़े ने सही कारण से अब बात है तो थे लेर भी जाओगे घरा नींबू लेर जावा रहे बापरो हाँ बापरा नींबू का भाव है जगाता बढ़ रहे हैं और गर्मी के अंदर हर परिवार की जगह शरीर की जरूरत भी है क्योंकि गर्मी कती बढ़ रही है पसीनों निकल जाए बहुत तेज है नींबू आज की एक संजीवनी को काम करे अगर जने तो लेना पड़े भैया तो कई वजह हुआ कारण हुआ कि नींबू आता में हो रहे हैं और बार लागे भी कम है भाई पहली लाग था तेज अब कम लाग रहे है अब कम लाग रहे है खेती कम हो रही है उत्पाद कम हो रहे है हाँ जी कारण से तेजी हो रही है तो जनता का कोई दिक्कत है क्या आता महंगा नींबू होने की वजह दिक्कत तो हो गई गरीब आदमी तो है ही देखो पिसा होगा तो क्यों बिगड़ा को नहीं नींबू का भाव सुनर चाल रहे हो गया हाँ जी कहीं भाव बताए
40 का पाव, 40 का पाव यानी 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो होगा। तो सुनता है जेम आ दिया के है कोनी आता है ये ले से आ जाए गड़िया थोड़े मतलब लेनो बड़ी चीज है, लेनो बड़ी चीज तो करा गए गर्मी का भाई। तो आता महंगा क्या हो रहे है नींबू गर्मी की वजह हो रहे करा गए। तो आपने लेना है भाई, मजबूरी है लेनो, मजबूरी है। तो गर्मी के अंदर नींबू का भाव ना कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पूरी मैंने सब्जी मंडी का एरिया में एक दुकानदार है जिसको मैंने यहाँ को दिखो है जो अति बड़ी तादाद के अंदर नींबू राख रखे है, कोई बड़ो बिजनेस दिखे तारो? नहीं नहीं, आता नींबू क्या लाया थे भाव है जगह कत्ता दिन सु चढ़ो है नींबू को पहले से चढ़े कतो टाइम हो गर्मी स्टार्ट हो जाए, गर्मी स्टार्ट हो जाना सो अत्ता ही महंगा है, इतना ही महंगा। नींबू बिग बाग अंदर कोई कमी आई है या फिर बढ़ोतरी आई है? कमी आई है, कम बिक रहा है नींबू। लोग आवे यार भाव पूछ रहे बोल रहे दे दो वापस चल जाए, चल जाओ मैं यहाँ लोग आवे है भाव पूछे फिर अरे चल जा भाव सुनता ही चल जाओ, भाव सुनता ही चल जाओ। तो ध्यान के पानी होगा को नहीं होगा? नींबू के भाव कर दिया सोका के ए पूछ रहे नींबू के भाव कर दिया नींबू भाई साहब ले हो जाए कही है आंटी जी नींबू का भाव गलेड़ा ही क्यों को नहीं रखा है नकली माल के भाव का 100 रुपया बतावे तो क्या ज्यादा है के 100 और के ही रख कितना एक दिन होगा नींबू खरीदा है 15-10 दिन में खरीदे लागे चढ़न तो यो चांद पर चढ़ा दियो आवड लागे जरा मते खरीदे तो के कारण है चांद पर क्या चढ़ गयो नींबू ओई दाना के चढ़ायो है क्या चढ़ा भाई जी अपना चढ़ाने से थोड़ी चढ़े अपने बाग थोड़ी है। हां अंकल जी गर्मी से चढ़ गया भाई तो नींबू ज्यादा खट्टा को नहीं होगा क्या? खट्टा तो क्या होगा भाव की वजह हूं तो कटो सो की भाई भाई कम तो खटास चोको लागे नींबू को लेकिन भाव बढ़ गया जना खटास थोड़ो के जना ज्यादा होगो खटास कटो ज्यादा बात तो नींबू का भाव आता बढ़ रहे हैं और कारण जगह पब्लिक समझ रही है कि धूप की वजह हूँ या फिर खपत ज्यादा पब्लिक समझ रही है बात नहीं धूप की वजह से ही है खपत और तो। आंटी जी रसोई पे फर्क तो पड़ रहे हो क्या नींबू को? यहाँ तो पड़ा ही है भाई गर्मी है जना वो नींबू ही है सही बात है या तो कचरा कुचरा तो कोनी पया मार तो।